नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक विषय पर जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और आज हम जो इस विषय पर आपके साथ डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं वो विषय है बच्चों आपका IoT का। क्या विषय है? IoT। ये IoT है क्या, इस पर हम लोग विषय पर बात करेंगे कि व्हाट इज IoT, इसमें होता क्या है। IoT है क्या, इसमें बच्चों होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, किसने इसको डेवलप किया था। आज के इस वीडियो में, इस क्लास में हम आपके साथ बच्चों ये सारे विषय पर जिक्र करेंगे। तो देखो बच्चों, IoT क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ नेटवर्क। बच्चों ये एक प्रकार का क्या है? नेटवर्क है, जिसमें वेयर मशीन्स आर मोर कनेक्टेड रेदर देन पीपुल्स। बच्चों इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि ये एक प्रकार का ऐसा नेटवर्क है भाई, जिसमें कि मशीन्स का मतलब एनी मशीन, कोई भी मशीन, किसी भी एरिया में यूज की जाने वाली मशीन, आपके हाउस में, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल्स में, आपके हॉस्पिटल्स में, आपके लाइफ में बच्चों यूज की जाने वाली कोई भी मशीन, वो आपकी ज्यादा जुड़ेगी किस नेटवर्क से? IoT से। किसकी तुलना में? पर्सन्स की तुलना में। यानी पर्सन से ज्यादा अगर मशीनें कनेक्ट हो तो उस नेटवर्क को हम IoT कहेंगे। बच्चों एक चीज जान लीजिए, IoT में जो कम्युनिकेशन होगा, मैक्सिमम आपका जो संवाद होगा वो संवाद किसके बीच होगा? बच्चों एक होता है टर्म M2M, यानी यहां पर जो संवाद है वो आपका होगा भाई मशीन टू मशीन। प्लीज इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि IoT में मशीन टू मशीन इंटरेक्शन ज्यादा होगा। और ये जो तुम्हारी मशीन होंगी आपके IoT में बच्चों, जो मशीन जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो सामान्य नहीं होगी, वो बच्चों इंटेलिजेंट मशीन होगी। कैसे इंटेलिजेंट होगी तो समझिएगा, वो इंटेलिजेंट होगी, उस मशीन में खुद की कैपेबिलिटी होगी जिसको हम AI की मदद से डेवलप करेंगे। किसकी मदद से हम डेवलप करेंगे उस कैपेबिलिटी को? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बच्चों हम AI की कैपेबिलिटी को डेवलप करेंगे। AI की मदद से हमारी मशीन इंटेलिजेंट होगी। इस मशीन में बच्चों सेंसर्स लगे होंगे। सेंसर्स क्या करेंगे? सेंसर्स इन्वायरमेंट से डेटा को कैप्चर करेंगे, फिर उस डेटा को भेजेंगे क्लाउड पर। क्लाउड पर प्रोसेसिंग होगी तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा, डेटा माइनिंग होगी। जो डेटा बनेगा वो बिग डेटा होगा, जो एनालिसिस होगी वो बिग डेटा एनालिसिस होगी। और फाइनली फायदा किसका होगा? क्लाइंट का, कंपनी का, यूजर का, जिसके पास डेटा भेजा जाएगा। तो कुल मिला जुला के मैं आपको यहां यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि IoT है क्या, एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसी सोच, एक ऐसी परिकल्पना, एक ऐसा तरीका जिसमें मशीनें ज्यादा जुड़ेंगी। और एक चीज जान लो बच्चों, जब तुम्हारा IoT का इन्वेंट नहीं हुआ था, बिफोर IoT, आपका जो कम्युनिकेशन होता था वो मशीन टू ह्यूमन होता था, या बच्चों ह्यूमन टू मशीन होता था। अर्थात मशीनें पर्सन से यानी इंसानों से, और इंसान मशीनों से कनेक्ट होते थे।
लेकिन आज का जो दौर है, जो वक्त है, अब आईओटी के आने के पश्चात क्या होगा, मशीनें मशीनों से कनेक्ट होंगी। जब मशीनें मशीनों से कनेक्ट होंगी यानी तुम्हारे आईओटी में एम टू एम कम्युनिकेशन जब होगा, तो बताइए सबसे एडवांटेज क्या होगा। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में पर्सन जो हम आप हैं, हमारा यूज कम हो जाएगा, हमारी इन्वॉल्वमेंट घट जाएगी, हमारी आवश्यकता घट जाएगी। तो आइए और मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं कि भैया आईओटी को किसने डेवलप किया था। तो एक सज्जन थे, हु डेवलप्स आईओटी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो एक सज्जन थे जिनका नाम है मिस्टर केविन आस्थेन। क्या नाम है? केविन, ASHTON। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद पे थे। ये क्या थे बच्चों? एक डायरेक्टर MIT। ये डायरेक्टर MIT थे जिन्होंने 1999 में पहली बार, फर्स्ट टाइम बच्चों, परिकल्पना की थी। इन्होंने पहली बार किसको डिस्क्राइब किया था, किस टर्म को डिस्क्राइब किया था साहब? ये इन्होंने डिस्क्राइब किया था तुम्हारे आईओटी टर्म को। याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम मिस्टर केविन आस्थेन साहब ने डिस्क्राइब किया था बच्चों टर्म आईओटी। और अगर आप आईओटी को और एक्सप्लेन करने की ओर बढ़े तो बच्चों ये कैसा नेटवर्क है, तो जरा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एनीवेयर माने कहीं भी, एनी टाइम माने किसी भी समय, एनी डिवाइस, किसी भी यंत्र से, ठीक है, एनी प्लेस, किसी भी स्थान से, एनी एरिया, किसी भी एरिया में इसका यूज या उपयोग, एनीवेयर, एनी टाइम, एनी डिवाइस, एनी प्लेस, एनी एरिया और एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ आईओटी के लिए बिल्कुल सही है बच्चों। ये सारी बातें आईओटी पे लागू होती हैं कि आईओटी एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से यूज हो सकता है, कहीं से भी यूज हो सकता है, किसी समय पर यूज हो सकता है, किसी डिवाइस, कोई फिक्स यंत्र नहीं है बच्चों, कोई प्लेस फिक्स नहीं है, कोई एरिया फिक्स नहीं है, कहीं से भी हो सकता है। तो एक शब्द जो होता है कहीं, वो आईओटी के लिए सबसे ज्यादा बच्चों उपयुक्त है, सबसे ज्यादा सही है, सबसे ज्यादा परफेक्ट है। तो बताइए मेरी बात बच्चों आपकी समझ में आ रही है कि नहीं, कि आईओटी क्या है, कैसा नेटवर्क है बच्चों। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं एडवांटेज ऑफ आईओटी, अगर आपसे कोई जानना चाहेगा कि आईओटी के प्रमुख फायदे क्या हैं, तो बताइए सबसे बड़ा फायदा बच्चों कम्युनिकेशन, मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा फायदा, कम्युनिकेट आप इजिली कर पाएंगे बच्चों, मॉनिटर आप अच्छे से करते हैं, कंट्रोलिंग, ऑटोमेशन, देख रहे हैं ना बच्चों, कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, ऑटोमेशन, और क्या एडवांटेज है तुम्हारे आईओटी के बच्चों? कम्युनिकेट होना, मॉनिटर होना, कंट्रोल होना, ऑटोमेट होना, और बच्चों कॉस्ट इफेक्टिव होना। ये सारे प्रमुख एडवांटेज आपके किसके हैं? आईओटी के हैं। इस बात को ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये सारे बच्चों मेन एडवांटेज हैं आपके किसके? आईओटी के। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि इस नेटवर्क के द्वारा आप दुनिया में दो मशीनों को कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों, जोड़ सकते हैं यूजिंग द इंटरनेट। मॉनिटरिंग,
मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? निगरानी। आज आईओटी के द्वारा क्लोज सर्किट टीवी कैमरेज लगे हैं, क्लोज सर्किट टीवी कैमरेज के द्वारा ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, तो निगरानी तंत्र आज बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों हर जगह कोई उपस्थित हो नहीं सकता, तो निगरानी तंत्र को बच्चों विकसित करने में मदद करता है कौन? आपका आईओटी। कंट्रोलिंग, बच्चों नियंत्रण में। नियंत्रण क्या होता है? नियंत्रण का मतलब यह होता है कि आप दूर से बैठ के अपनी संस्था को, अपनी चीजों को, अपनी व्यवस्था को, अपने लोगों को निगरानी कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। जाहिर सी बात है जब मॉनिटरिंग होगी तो बच्चों निगरानी जबरदस्त होगी। आपका ऑटोमेशन, स्वचालन आईओटी का सबसे शानदार कॉन्सेप्ट है बच्चों। स्वचालन का मतलब क्या है? मशीन, मशीन में पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन जो मशीन को बेहतर बना रहा है। आज मुझे आप बताइए कौन सी ऐसी मशीन नहीं है बच्चों जो कि ऑटोमेट नहीं है। उस मशीन में सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आगे बताया जाएगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बच्चों एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं बात? और कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है बच्चों? आप दूर से अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने घर को, अपने स्कूल को, अपने हॉस्पिटल को वॉच कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, आपकी लागत बचेगी, निश्चित तौर पे बचेगी। तो ये सारे आपके एडवांटेजेस हैं, और भी बहुत सारे एडवांटेज है बच्चों, मैं सिर्फ मेन एडवांटेज की बात करता हूं। और प्रश्न उठता है डिसएडवांटेज। बच्चों आईओटी के कुछ दुष्परिणाम भी हैं और दुनिया उनको अब फेस कर रही है। आईओटी के एडवांटेज हैं तो आईओटी के डिसएडवांटेज हैं। प्रमुख डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की इशू कैसे आ रहा है? आपको मालूम है कि हैकर्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज नेटवर्क पर और इंटरनेट पर। ये कर रहे हैं आपको परेशान, आपके डेटा को चुरा रहे हैं, आपके पैसे का इधर उधर कर रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़। बच्चों जब अभी सीमित प्रयोग हो रहा है, आज मैक्सिमम यूज इंटरनेट का मोबाइल या लैपटॉप या पीसी से हो रहा है, तब आप इतना परेशान है तो उम्मीद कीजिए कि जब आपके जीवन में हर क्षेत्र में आईओटी का इन्वॉल्वमेंट होगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि हर डिवाइस आप आईओटी से कनेक्ट करेंगे, और जब आईओटी से कनेक्ट करेंगे, और अभी कोई बहुत सिक्योरिटी का बेहतरीन व्यवस्था नहीं है, नई नई चीज है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं, बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है। सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट इशू। दूसरी प्रॉब्लम बच्चों आईओटी में है वो है कॉम्प्लेक्सिटी की। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है बच्चों जटिलता। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। जटिल नेटवर्क है तो क्या होगा? इसकी जटिलता का अंदाजा हमको तो नहीं है, लेकिन हैकर को अगर हो गया, वो एक्सपर्ट हुआ, तो हमें परेशान कर देगा बच्चों। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको कहते हैं बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट। भैया जब मशीनें काबिल होती जाएंगी, जब मशीनों के अंदर गुण बढ़ता जाएगा, तो जाहिर सी बात है इंसानों की जगह काम कौन करेगा? मशीनें करना शुरू करेंगी। जब मशीनें काम करना बच्चों शुरू करेंगी, इंसान को किनारे कर देंगी। इंसान किनारे हुए तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, निश्चित तौर पे होगी। विशेष तौर से ऐसे लोग जिनके पास स्किल्स की कमी है, उनके लिए आईओटी एक बहुत बड़ा दुस्वप्न से ज्यादा और कुछ नहीं रहेगा। तो आप सबको स्किल को डेवलप करने की जरूरत है, इस बात को ध्यान दीजिएगा बच्चों। सिक्योरिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और बिकम लेजी। इंसान क्या हो रहा है? आप भी हो रहे होंगे। हम मशीनों पे निर्भरता जब बढ़ रही है तो हम बच्चों लेजी हो जा रहे हैं। लेजी का मतलब आलसी से मेरा मतलब है। क्यों आलसी हो रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि मशीनें आपकी जगह काम कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं, नियंत्रित कर रही हैं, बहुत सारा कुछ जो आप करते थे अब मशीनें कर रही हैं। आप आलसी होंगे, लापरवाह होंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और अगर आप ज्यादा आलसी हुए तो बीमारी भी आपको घेरेगी निश्चित तौर पे बच्चों, क्योंकि मेहनत कश लोग बीमार कम पड़ते हैं। और मशीनों पर आश्रित कोरोना में क्या हुआ? जो एसी में बंद कमरों में लोग थे,
उनके साथ दिक्कत ज्यादा आई, जो किसान थे जो मेहनत कश थे उनके साथ दिक्कत कम आई, ऐसा एक जनरल परसेप्शन है। मैं गारंटी से नहीं कह सकता, मेरे पास कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, बट ऐसा लोगों ने बताया कि साहब जो मशीनों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व है और जो मेहनत कश है वो निश्चित तौर पे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होता है। तो ये एक सिनारियो है कि आईओटी के पॉजिटिव और आईओटी के निगेटिव इंपैक्ट्स क्या है। बच्चों तो याद रखिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय में दुनिया को बदलने की, दुनिया के तौर तरीकों को चेंज करने की काबिलियत रखती है, ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम बच्चों आईओटी है। भविष्य इस नेटवर्क का है। इंडिया में अभी थोड़ा स्लो है, भारत के पास थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम इन द सेंस हमारे यहाँ नेटवर्क की कमी है, हमारे यहाँ हाई क्वालिटी नेटवर्क नहीं है, हमारे यहाँ अभी भी लोग टेक्निकली स्किल्ड नहीं है, एजुकेटेड ज्यादा हैं। लेकिन एक समय आ रहा है, हमारे यंगस्टर्स, हमारे युवा, हमारे लोग, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जैसे जैसे बच्चों वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या है आईओटी हमारे भी देश में Employed, आप देख रहे हैं आईओटी के एप्लीकेशंस की बात कीजिए, आज हमारे देश में आईओटी एप्लीकेशंस दिख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप आईओटी एप्लीकेशंस की बात करेंगे, आईओटी का सबसे प्रमुख उपयोग बच्चों जो हो रहा है, आप जो देख रहे हैं उसमें सबसे कमाल का है, आप देखते होंगे बच्चों आजकल बात होती है स्मार्ट सिटी की। आप भी किसी स्मार्ट सिटी में गए होंगे या रहते होंगे, स्मार्ट सिटीज में आप देख रहे होंगे बच्चों चौराहे चौराहों पर कैमरे लगे हैं, वो कैमरे आपकी मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं, कहीं स्टोर कर रहे हैं, आपने कुछ गलत किया, क्रॉसिंग तोला, आप लाल बत्ती तोली, रूल्स का वायोलेशन किया, ई चालान आ रहा है, स्ट्रीट लाइट आपकी ऑटोमेटिक हो चुकी है, पार्किंग में सेंसर्स हैं, बसेस का लोकेशन आपकी मोबाइल पे आ रहा है। तो भैया जिंदगी क्या है, आपके आपके शहर में बहुत कुछ ऑनलाइन सर्विसेज आ चुकी हैं। तो साहब ये सारे एप्लीकेशंस, तो आईओटी एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो कॉम्प्लेक्सिटी को संभाल पाई, अगर सिक्योरिटी के इश्यूज को हैंडल कर पाई, तो मेरा मानना है बच्चों की आईओटी निश्चित तौर पर भविष्य की टेक्नोलॉजी है। तो मुझे आशा है बच्चों की आपको ये संक्षिप्त सा मेरा परिचय आईओटी का समझ में आया होगा, आपको आनंद आया होगा, इस आशा के साथ थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद।